फलमंडी स्थित रहने वाली कलावती कुशवाहा सोमवार की सुबह जिला अस्पताल में अपना इलाज करवाने आई हुई थी और डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी। तभी पीछे खड़ी एक महिला ने उनके गले का चैन खींच लिया, जिसका आभास होने पर कलावती कुशवाहा ने अपने गले की चैन को देखा तो टूटा हुआ था और पीछे से एक महिला खींच रही थी। मौके पर ही उसे पकड़ लिया गया और पकड़कर जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक के कार्यालय पर लाया गया और प्रमुख अधीक्षक द्वारा डायल 100 को फोन कर पुलिस को बुलाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर निगम चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी ने पूछताछ कर अपने हिरासत में ले लिया। चोरनी महिला ने अपना नाम सीमा, पति का नाम शक्ति, निवासी नौसड़, थाना बेलीपार की रहने वाली बताई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित कलावती कुशवाहा और प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय गोरखपुर डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा। हाँ सर, लीजिए जमीन चार साहब से बात कर रहे हैं। हेलो, क्या हुआ है तुम्हें? तो अभी चेक करवा लिया जाएगा, बुखार है कि नहीं। तो ना सो जाओ। हाँ है, मेरे यही यार आपके यहाँ जो क्षेत्र में हमारे अभी मुलाकात होगी अभी। कलावती कुशवाहा, मैं नवीन फल मंडी से आई हूँ राजीव नगर से, और थायराइड का जांच कराना था। जांच हुआ, रिपोर्ट लेके मैं दवा लेने गई थी काउंटर पे। दवा लेके जैसे ही निकल रही थी, अभी पूरा निकली भी नहीं थी, तब तक मुझे लगा कि पीछे से मेरा कोई चैन खींच रहा है। टूट गया, आधा टूट के पीछे गया और आधा आगे। मैं आगे से देख ही रही थी, तब तक मैं इसको पकड़ ली और पकड़ के यहाँ लाई। फिर आप लोग को सूचना, कलावती कुशवाहा, मैं सदर में आई थी, डॉक्टर आलोक पांडे को दिखाई हूँ। एक महिला मेरे कक्ष में आई है दूसरी महिला को लेके, और उसका आरोप था कि इस महिला ने मेरा चेन खींच लिया है और कटी हुई चेन दिखा भी रही थी। इस क्रम में मैंने 100 नंबर पर डायल किया है, 100 नंबर के सिपाही ने मुझसे कांटेक्ट किया है और बताया कि मैं घटनास्थल पहुंचकर इसकी जांच करता हूं।